एक बार फिर नाशा स्टेडियम कराची से आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज कराची किंग्स और कोटा ग्लेडिएटर्स की दो टीमें इस वक्त नाशा स्टेडियम कराची में मौजूद है। मेरे आंखों के पीछे आपको इस वक्त नजर भी आ रही होंगी दोनों टीमें। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा आपको घुमा के जरा दिखाएं और इस वक्त कराची किंग्स और जो कोटा ग्लेडिएटर्स की टीमें हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन कर रही हैं और यहाँ दोनों टीमें जो है वो इस वक्त अपनी अपनी तैयारियों में जो है वो मगन है। और कोटा की बात की जाए तो आज मार्टिन कैप्टन ने उनको ज्वाइन कर लिया है, मोहम्मद हसनैन ने उनको ज्वाइन कर लिया। उसके साथ साथ अगर आपको दूसरी जानब में दिखाऊं तो दूसरी जानब जो है वो दूसरी जानब कराची किंग्स की टीम जो है यहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेशन कर रही है, जिसमें मोहम्मद आमिर आज हमें खासकर जो है वो बॉलिंग करते हुए नजर आए। उसके अलावा सीनियर उनके खिलाड़ी मिडल जो ऑलराउंडर हैं शुएब मलिक, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। शर्जील खान हमें यहाँ पर जो काफ़ी हार्ड हिटिंग करते हुए नजर आए। उसके अलावा हैदर अली ने यहाँ पर अपना आज भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस सेशन किया। और इस वक्त भी अगर आप देखें दोनों जो टीमें हैं, लेफ्ट साइड पे कोटा ग्लेडिएटर्स है, राइट साइड पे मेरे जो है वो कराची किंग्स की टीम है और दोनों टीमें इस वक्त अपने अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं और दोनों टीमें जो है वो अपनी तैयारियां कर रही हैं। और आज के ट्रेनिंग सेशन की खास बात भी जो है वो अगर देखिए तो दोनों टीमों के जो मुकम्मल तकरीबन स्क्वाड हैं उन्होंने जो है वो अपने अपनी टीमों को ज्वाइन कर लिया। दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल, उन्होंने अपने अपनी जो है वो टीमें आज उनको ज्वाइन कर लिया है और इस वक्त दोनों टीमें प्रैक्टिस सेशन कर रही हैं। और पहला मुकाबला आपको जैसे कि पता है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का यहाँ पर खेला जाना है। पेशावर ज़ल्मी मुसलसल 3-4 रोज़ से यहाँ पर अपने प्रैक्टिस सेशन कर रही है। कराची किंग्स कल आई थी और बहुत लंबा उन्होंने कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं किया था, 1-2 घंटे पर मुहित था। और आज हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी यहाँ पर आए, उन्होंने अपना वार्म अप सेशन किया, तैयारी यहाँ पर जब शुरू की। कोटा ग्लेडिएटर्स की टीम ने काफ़ी देर जो है वार्म अप सेशन किया, अपनी तैयारियाँ करती रही। और इस वक्त दोनों टीमें मेरे रकम में आपको इस वक्त भी नजर आ रही है, नाशा स्टेडियम कराची में अपनी तैयारियों में मसरूफ अमल है और कोशिश कर रही है कि बड़े मुकाबले से कबल अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लिए, तमाम तरह स्क्वाड को जांच पड़ताल कर लें, तमाम तरह खिलाड़ियों को चेक कर लिया जाए कि कितने उनमें सलाहियत है, कितनी उनमें काबिलियत है। और जब मुकाबले का वक्त आए दोनों टीमों को जो खिलाड़ी हैं जो स्क्वाड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हों बड़े मुकाबलों के लिए। जहाँ तक मुकाबलों की बात है तो नेशनल स्टेडियम कराची में उस हवाले से भी तमाम तर इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। पीछे जो इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा जो सेंट्रल स्क्वायर है पिचेस का, उसको कवर कर दिया गया, यहाँ पर जो है वो सारे मैचेस होंगे। उसके अलावा अतराफ में जो प्रैक्टिस पिचेस भी तैयार किए हैं, बैक साइड में भी मेरे राइट कॉर्नर में भी कोने में और लेफ्ट साइड में भी जो है दोनों जानब प्रैक्टिस पिचेस तैयार की गई हैं। और यहाँ पर इस वक्त वो टीमें तमाम तरह प्रैक्टिस सेशंस अपने अपने कर रही हैं। कल भी यहाँ पर यही सूरत हाल जो जारी रहेगी, टीमें यहाँ पर आएंगी दोपहर के औकात में भी, शाम और रात के औकात में भी यहाँ पर आकर अपनी तैयारियाँ करेंगी। और साथ आगे जो है वो पीएसएल जैसे जैसे आगे वक्त करीब आता जा रहा है तैयारियाँ भी तेज़ हो रही हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी भी अपनी टीमों को ज्वाइन कर रहे हैं, मुकामी खिलाड़ी तकरीबन उन्होंने अपनी टीमों को ज्वाइन कर लिया है। गो के आज बाबर आजम जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, उसके अलावा दीगर खिलाड़ी जो है वो यहाँ मौजूद नहीं थे, उन्होंने अपनी भी जो है वो तैयारियाँ उनके बावजूद यहाँ पर आज जो अपना प्रैक्टिस सेशन जारी रखे हुए। तो इस वक्त कराची किंग्स और कोटा ग्लेडिएटर्स की टीमें जो है अपना यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन जारी रखे हुए। मजीद इसी हवाले से खिलाड़ियों की बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग एक्स्ट्रा जो फुटेजेस हो, एक्सक्लूसिव फुटेजेस हो, वो तमाम तर फुटेजेस, तमाम तर एक्टिविटीज़ हम आपको अपने प्लेटफॉर्म खेल खिलाड़ी पर दिखाते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, आपकी सजेशन हो, राय हो, कुछ कहना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ जाकर अपनी राय का इजहार करें, हम उसका जवाब देंगे, कोशिश करेंगे। अगर वीडियो के मुतालिक हो तो वीडियो बनाकर भी आपको जो है उसका जवाब दे सकते हैं। और लास्ट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी। बहुत शुक्रिया।